हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी मसाला मैक्रोनी। ये मैक्रोनी है मगर है देसी स्टाइल में। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप 10 मिनट में सुबह बना के ब्रेकफास्ट के लिए लेके जा सकते हैं या खा सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस नहीं करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 2 कप पानी लिया है। पानी में एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो मैक्रोनी है वह आपस में चिपके नहीं। और नमक से मैक्रोनी में नमक है वो अच्छे से आ जाएगा। अब हम इसको बॉयल होने देंगे 2 मिनट। अब हमारा मैक्रोनी बॉयल हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा मैक्रोनी पका है या नहीं। तो हम एक स्पून से मैक्रोनी को तोड़ के देखेंगे। अगर वो टूट रहा है तो मतलब हमारा मैक्रोनी है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। देखिए ये टूट रहा है, इसका मतलब हमारा मैक्रोनी तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। इसका पानी अलग हो जाए अच्छे से मैक्रोनी से, तो आप इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लीजिए। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैं एक पैन ले लूँगी। पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। इसके बाद तेल गर्म होते ही मैंने 1 चम्मच राई डाली है। राई जैसे ही फूटने लगेगा अब हम इसमें 10 लहसुन की कलियाँ हैं उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है उसको भी डाल देंगे। और उसको डाल के हम पका लेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हमारा लहसुन तब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज है उसको भी बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस प्याज में ही मैंने नमक और थोड़ा सा डाल दिया था, वो आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। वो वीडियो में स्किप हो गया है तो आप ये बात ध्यान रखना, आप इसमें नमक डाल सकते हैं इसी टाइम पे। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप कैप्सिकम डालेंगे और 1 हमारी हरी मिर्च है बारीक कटी हुई वो डालेंगे। कैप्सिकम ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सबको, कैप्सिकम और हरी मिर्च सबको। इसके बाद हम इसे 2 सेकंड के लिए ढक देंगे। 2 सेकंड बाद हमारा जो प्याज है और कैप्सिकम है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम 1 बड़ा टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ और इसको भी मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आप अपने लाल मिर्च के हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। इसके बाद 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी डालने से हमारा टमाटर है वो जल्दी से पक जाता है और सॉफ्ट भी हो जाएगा। इससे आपका कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब हम इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। हम इसको ढक देंगे। उसके बाद हमारा टमाटर है वो सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें हमारा जो बॉयल मैक्रोनी रख रखा है हम उसे डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सारा मसाला है वो हमारा मैक्रोनी में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स है मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपको अवॉइड करना तो अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनो है मेरे पास, वो भी मैं डाल रही हूँ। इनसे टेस्ट और भी अच्छा आता है, मगर अगर आपको नहीं डालना तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ, मोज़रेला। मेरे पास डाइस्ड मोज़रेला चीज़ पड़े थे तो वो मैंने डाल दिया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए, बस जो हमारा चीज़ है वो पिघल जाए उसके बाद हम इसको हटा लेंगे। देखिए हमारा चीज़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो मसाला मैक्रोनी है वो तैयार हो चुका है देसी स्टाइल में। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये ब्रेकफास्ट, आप इसको सुबह आराम से जल्दी से फटाफट बना सकते हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। देखिए अब हमारा मसाला मैक्रोनी तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।